मिर्जा शौकत बेग सेंटरिंग यूनियन प्रेसिडेंट आसिफ नगर जोन ओल्ड सिटी इंचार्ज ने नानल नगर प्रीमियर हॉस्पिटल पहुंचकर नवाब जो सेंटरिंग का काम करते हैं जिसकी उम्र 42 साल बताई गई है वो काम के दौरान 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गए थे। इसकी इतला मिर्जा शौकत बेग को मिली जिस पर वो फौरन प्रीमियर हॉस्पिटल पहुंचे और मिजाज पुरसी की जिस पर नवाब की बहुत ही सीरियस कंडीशन डॉक्टरों ने बताई है। मिर्जा शौकत बेग ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस जिमन में मजीद तफसीलात भी बताई। शौकत बेग सेंटरिंग यूनियन प्रेसिडेंट आसिफ नगर जोन ओल्ड सिटी इंचार्ज आज फिर से एक वाकया हमारे दरमियान में एक 42 एज जिसका नाम नवाब है और रहने वाला जो है ना हकीम बेट का है। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो लड़का बहुत अच्छा बेहतरीन कारीगर है। किस की वजह से कहाँ पर क्या गलती भी पता नहीं लेकिन जब मैं बिल्डिंग को जाके देखा हूँ तो ब्लू तरपाल नहीं बना हुआ है। 5 फ्लोर पर से बच्चा नीचे गिरता है नवाब और उसको काफ़ी इंजरी आ गई है। डॉक्टर से मैं अभी मिला हूँ, मिलके जो है ना मैं पूछा हूँ तो जो है ना डॉक्टर से बता रहे मुझे कि जो है ना एक फसली की हड्डी भी टूट चुकी है और यहाँ की भी हड्डी टूट चुकी है और किडनी में भी जो है ना कुछ डैमेज हो के जो है ना यूरिन जा रहा और लेंस का भी मामला बहुत सारे इंजरी प्रॉब्लम्स है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो है ना बच्चे के हक़ में जो है ना दुआ करिए कि जो है ना अल्लाह उसको सेहत आफ्ता करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो है ना बच्चे का ट्रीटमेंट कौन करे। अभी प्रीमियर हॉस्पिटल में एडमिट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, यहाँ पर मसला जो है ना लाखों का हज़ारों का आता है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट कौन करे। यहाँ पर गैर जिम्मेदार जो है ना बिल्डर्स है, बिल्डर का नाम क्या है भाई? इमरान साहब बोल के बिल्डर है और हमारे फ्लोर मिल के बिल्कुल अपोजिट कंस्ट्रक्शन कर रहा, 5 फ्लोर का है। अंडर कंस्ट्रक्शन चलते दरमियान में जो है ना स्ट्रेचर का काम करते दरमियान में बच्चा गिरा तो है लेकिन मुकरम साहब बिल्डर का नाम है। अभी मुताला हमारा मुकरम साहब से ये है, बिल्डर साहब मुकरम साहब से ये मुताला है कि जो है ना भाई अभी बच्चा जेर इलाज के वास्ते प्रेमर में एडमिट है तो वहाँ पर आइए आप, आके जो है ना जो इलाज हो सकता है उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उसको इलाज कराइए, अच्छे से अच्छा बेहतर बना के उसको घर को पहुँचाइए। हमारी यही मुकरम साहब से जो है ना गुजारिश है कि जो है ना मुकरम साहब से हम सुबह से मुतला कर रहे हैं कि जो है ना उन्होंने बता रहे मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं फलां जगह हूँ। हम सब सेंटरिंग एसोसिएशन की यूनियन को जब इतला मिलती जो है ना यहाँ पर पहुँचे हमारे जाहिद भाई हैं टोली चिकी के प्रेसिडेंट साहब, हमारे जफर भाई साहब टोली चिकी के जनरल सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर इनके संगत तमाम दीगर साथियाँ भी आए हुए हैं, मैं भी आया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चे के जेर इलाज के वास्ते हमारे तमाम टीम जमा हुई हुई है यहाँ पर, इसके हक के वास्ते लड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर बिल्डर नहीं पहुँचा। बिल्डर से हमारी यही गुजारिश है कि जो है ना वो यहाँ पर पहुँचे, दवाखाने की जिम्मेदारी ले कि मैं क्या पैसे लगा सकता हूँ, मैं क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उन्हें बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो उसके ऊपर केस बुक करते हुए हम जो है ना लीगल एक्शन लेंगे। हम जो है ना उसके ऊपर जो है ना हम जो है ना यहाँ से डिस्चार्ज करते हुए उस्मानी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उसके ऊपर एक केस बुक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये टाइम होगा बच्चा गिर के जो है ना काफ़ी टाइम होगा। क्या टाइम गिरा बच्चा? 10 बजे गिरा। अभी मैं मीडिया काउंसलिंग दे रहा हूँ तो 5 बज रहे शाम के 5 बज रहे अभी तक जो है ना मैं समझता हूँ मैं 7 घंटे होगा बच्चा गिर के। यहाँ पर कोई बिल्डर का रिस्पॉन्स नहीं है मेरे भाई। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो है ना ये बात मेरी जो है ना हुकूमत तेलंगाना तक पहुँचाए, हुकूमत तेलंगाना जो है हमारी अभी बनी हुई उससे क्या हमारे बच्चे को ट्रीटमेंट के वास्ते बन सकता है उसके वास्ते कोशिश करिए। ये मेरे साथी हमारे जाहिद भाई टोली चिकी के प्रेसिडेंट है, हमारे जनरल सेक्रेटरी जफर साहब है और तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी तमाम लोगों की कोशिश बच्चे के वास्ते लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की कोशिश के वास्ते जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मिर्जा शौकत बेग, जय हिंद।